तो दोस्तों आप लोगों में से कई सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप चलाते हैं, कई सारे यूजर्स हैं, हर कोई व्हाट्सएप चलाता है। तो व्हाट्सएप में आप ज़्यादातर वीडियो कॉलिंग या फिर चैटिंग, वॉइस चैटिंग या फिर वॉइस कॉलिंग, इतना सब कुछ तो करते हैं कि आपको पता है व्हाट्सएप सेफ है या फिर जो आप चैटिंग कर रहे हैं वो सेफ है। तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग से क्लास तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको चैटिंग के बारे में, चैटिंग की सेफनेस के बारे में, मीन्स रियलिटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ वॉइस व्हाट्सएप चैटिंग के बारे में, जो इंडिया में सबसे पॉपुलर ऐप है चैटिंग में, वॉइस कॉलिंग में, वीडियो कॉलिंग में, किसी के मामले में ले लो। अगर आप एक चैटिंग करते हैं तो वो व्हाट्सएप पर सेफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी शोध करता हूँ और पता चला है कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा पता लगाया गया है कि व्हाट्सएप में सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम है। मीन्स अगर आप अगर कोई चैटिंग करते हैं तो आपके मैसेज कोई भी पढ़ सकता है, मतलब आप अगर अपने व्हाट्सएप में किसी दूसरे पर्सन से चैटिंग कर रहे हैं तो वो चैटिंग तीसरा अदर पर्सन भी पढ़ सकता है विदाउट एनी परमिशन। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप को हैक कर दिया जाता है, मींस हैक का मींस हैक नहीं किया जाता है, हैक करे बन जाता है। मींस ये है, अगर आप किसी भी ग्रुप के एडमायर हो या फिर आप किसी भी ग्रुप के मैनेजर हो, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के, तो उस ग्रुप में अगर आपके जितने भी मेंबर हैं तो वो सारे जितने मेंबर होंगे वो अदर पर्सन को भी इनवाइट कर सकते हैं विदाउट आपकी परमिशन के। मतलब ग्रुप एडमायर को ये भी नहीं पता चलेगा कि और कोई भी पर्सन आ गया है और आपके जो भी मैसेजेस होंगे एंड टू एंड वो भी आपको पढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी मेजर एरर निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से, जो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी ने ढूंढाया। और उन्होंने ये भी बताया कि व्हाट्सएप में कोई भी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं लगाया गया है जिससे हमारी चैटिंग, वीडियोज, मैसेजेस या फिर कॉलिंग की पूरी हिस्ट्री को सेफ रख सके। ये पूरी हिस्ट्री को वायरल कर देता है। अगर मान लेते हैं हम ये इंडिया का ऐप होता तो चल जाता, लेकिन बाहर का ऐप है भाई, सोच समझ के व्हाट्सएप यूज़ किया करो और ज़्यादातर यूज़ करो, हाई माइक यूज़ कर लिया करो। व्हाट्सएप में इतना नहीं घुसो, मतलब हर कोई व्हाट्सएप के अलावा और कोई नहीं है। हाँ माना है व्हाट्सएप अच्छा है, व्हाट्सएप अच्छे फीचर्स देता है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी को भी तो लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आगे चल के देखते हैं, व्हाट्सएप पेटीएम की तरह बनने वाला है, मनी ट्रांजेक्शन करने वाला है। भाई आप एक हिस्ट्री तो संभाल नहीं पा रहे हो व्हाट्सएप की, मनी ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल्स को क्या संभाल के रखोगे। तो मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये भी बताया जाता है कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन जो फीचर है उसके अलावा कोई भी व्हाट्सएप में आ नहीं सकता है दूसरा मेंबर, लेकिन ग्रुप में कैसे आ सकता है भाई। अगर आप एक ग्रुप के एडमायर हो तो उसमें जो भी पर्सन है वो दूसरे पर्सन को इनवाइट करके उस ग्रुप में डाल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपके ग्रुप की सिक्योरिटी को लेकर एक इश्यू हो सकता है। तो बताइए मुझे कमेंट्स में आप कितने बड़े ग्रुप के एडमायर हो, कितने ग्रुप के एडमायर हो व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर, बताना मुझे कमेंट्स में। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी आप व्हाट्सएप पर सेंड करें मैसेज, वीडियो या फिर कुछ भी चीज़ सेंड करें तो उसमें पर्सनल अपना ना हो, जो भी आए उसे वापस सेंड करें, फालतू की चीज़ें सेंड ना करें जिससे आपको परेशानी हो सके। और आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर हो सके तो, और सब्सक्राइब के बटन में आपके बगल में मिलेगा एक बेल आइकन, उस पर भी प्रेस कर सकते हैं जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन उस तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और बताना मुझे कमेंट्स में आपको कैसी लगी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।